वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि सवेर वेले दोपहर वेले ते भावें रात वेले भाव कि जो भी समा मिलता है जिन्ना ही समा मिलता है जेकर आपां उस समय दे विच सतगुर सच्चे पातशाह नूं याद करिए इस शब्द का जाप करिए तां साडे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह की बेअंत कृपा हुंदी आ। महापुरख जी कहिंदे जिन्ना ही ज्यादा इस शब्द का जाप करदे आ ना उन्ना ही साडे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह मेहरबान हुंदे ने, उन्ने ही साडी जिंदगी दे दुख दूर हुंदे ने, साडे माड़े कर्म कट्टे जांदे आ अते साडे चंगे कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो फिर केड़ा शब्द आ किंज आपा जाप करना है, किंज सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करते ने, यह सारी गलबात आपा अज दी वीडियो दे विच करांगे। इस करके वीडियो नू पूरा सुनना, जे वीडियो तुहानू चंगी लगी तां इस वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर दिओ जे, अते नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके धन गुरु नानक देव जी जां फिर वाहिगुरु जी जरूर लिख के आउणा। तां आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी इत्थे महापुरख जी सानू समझाउंदे होए कहिंदे ने कि गुरबाणी दा ज्ञान अते ध्यान दोवें ही साडी जिंदगी नूं बदल दिंदे ने। जिस दिन तो असीं गुरबाणी दा ज्ञान हासिल करना शुरू कर दिता, गुरबाणी दा ध्यान करना शुरू कर दिता, साडे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह दी बेअंत कृपा हुंदी आ। बस शर्त इह आ कि साडा अपने सतगुरु सच्चे पातशाह दे उत्ते भरोसा पक्का होवे। मन दे विच कोई किंतु परंतु कोई शंका नहीं होना चाहिदा, क्योंकि जिन्ना ही भरोसा पक्का होवेगा ना उन्ना ही साडे उत्ते छेती सतगुरु सच्चे पातशाह दी कृपा होवेगी। कई लोग रोज गुरु घरे जांदे ने, रोज गुरबाणी दा पाठ करदे ने, पर मन दे विच शंका चलदा रहिंदा है, किते ना किते भरोसा कच्चा हुंदा है। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह दी कृपा तों दूर प्रवचन सुनने लई आया करे, कदे भी नागा नहीं सी पाउंदा। तां कहिंदे एक दिन उह मनुख संत जी दे कोल आया अते आके कहन लगा कि संत जी मैं तुहाडियां सारियां गल्लां बड़े ध्यान दे नाल सुनदा हां अते मैनू चंगियां भी बहुत लगदियां ने, क्योंकि तुहाडियां गल्लां सच ने, तुसीं तां बिल्कुल साडी जिंदगी दी किताब नूं पढ़ के साडे अगे रख दिंदे आ, पर मैनूं काफी समां हो गया तुहानूं सुणदिआं नूं, पर मेरी जिंदगी दे विच अज तक कोई बदलाव नहीं आया, मैं उत्थे दा उत्थे ही खड़ा हाँ। ते कहिंदे उह संत जी कहिंदे भी अच्छा तूं पहलां इह दस आउणा कित्थों आ। उह कहिण लगा कि संत जी मैं दो पिंड छड्ड के तीसरा पिंड मेरा है। संत जी कहिंदे भी तू तां बड़ी हिम्मत करदा है, रोज आउणा है, फिर आउणा किवें आ, पैदल चल के आउणा है जां फिर किसे साधन ते। तां उहने दस्सिआ कि संत जी मेरे कोल मेरा साधन आ, मैं उहदे ते इत्थे तुहाडे कोल आउणा हां। तां संत जी कहिण लगे भी भाई कदी इदां नहीं होइआ कि तू घर बैठा बैठा ही इत्थे पहुंच गया होवें, तैनू अपने घरों अपने बिस्तर तो उठना ही ना पवे, साधन दे उत्ते बैठना ही ना पवे, अते तू अपने घर दे विच बिस्तर दे उत्ते बैठिया बैठिया ही इत्थे पहुंच जावे। ते कहिंदे उह मनुख कहिण लगा कि संत जी की होया अज तुहानू, तुसी किस तरह दीआं गल्लां कर रहे हो, रोज तां तुसी बड़ियां ही सियाणियां समझदारी वालियां गल्लां करदे हो, पर अज तुहाडियां गल्लां मेरे समझ तों बाहर ने। तां संत जी ने कहा भी भाई मैं तां तैनू इह समझाउणा चाहुंदा हां कि देख जिस तरह तैनू साडे बचन सुनण दे लई अपने घर तों चलना पैंदा है, किसी साधन ते बैठना पैंदा है, फिर तू इत्थे पहुंच करदा है, उसे ही तरह जे तू इह बचन सुन के अपनी जिंदगी दे विच बदलाव चाहुणा है ना, तां फिर इन्हां बचनां नूं मन्नणा वी पैणा है। जो जो असीं कहिंदे आ उह तैनू करना पैणा है, तां ही तेरी जिंदगी दे विच बदलाव आवेगा। कदे भी चंगीआं गल्लां सुण लैण दे नाल जिंदगी विच बदलाव नहीं आउंदा, बदलाव तां आवेगा जेकर उहनां चंगीआं गल्लां नूं असीं अपनी जिंदगी दे विच अपनावांगे। जिवें हुण संत महापुरख जी रोज रोज सानूं समझाउंदे आ कि भाई अमृत वेले उठो, अमृत वेला साडी जिंदगी नूं बदल दिंदा है। अमृत वेले दे विच उठण वाला मनुख तन मन धन सब पक्षों ही धनवान रहिंदा है, पर असीं किन्नी कु गल मन्नदे आं, असीं फिर मर्जी करदे आं, असीं कहिंदे साडे तों उठिआ नहीं जांदा। महापुरख जी कहिंदे अमृत वेले उठण दे लई रात नूं जल्दी सौवो, असीं उह वी गल किन्नी कु मन लैंदे आं, भाव कि असीं गल्लां सुणदे आं,
सुनते हैं सिर्फ कण रस दे लई क्योंकि सानू वह गल्लां चंगीआं लगदीआं ने, बस सुन के उत्थे ही छड्ड दिंदे आ। पर याद रखना जिंदगी दे विच बदलाव तां आवेगा जेकर इन्हां गल्लां नूं सुन के अपने आप दे उत्ते लागू करांगे। तां अज दी वीडियो दे विच जो महापुरखां ने सानू जुगत दस दित्ती है ना, ये जुगत नूं जेकर आपां अपनी जिंदगी विच अपना लैंदे आ तां देखणा जिंदगी दिनों दिन बेहतर तो बेहतर होंदी जाएगी। साड़ी जिंदगी दी सारी मोहताजी खत्म हो जानी है अते इस शब्द दा जाप करन दे लई सानू वेला वक्त विचारन दी लोड़ नहीं। दिन भर दे विचों जदों भी वेला मिलदा है, जे अमृत वेले नहीं उठिया जांदा ता जदों ही जाग आई उदों ही इस शब्द दा जाप कर लेना। दुपहर वेले, रात वेले, जेकर अद्धी रात नूं अख खुलदी है तां वी इस शब्द दा जाप कर सकदे आ। अते इह शब्द है मेरे पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी की बख्शिश मूल मंत्र जी का जाप। जिन्ना ही आप मूल मंत्र जी का जाप करते हैं उन्नी ही साढ़े उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा बख्शिश होंदी है, उन्नी ही साड़ी जिंदगी दे दुख दूर होंदे ने, साड़े माड़े कर्म कट्टे जांदे आ। क्योंकि महापुरख जी कहिंदे मूल मंत्र जी का जाप प्रतख गुरु नानक पातशाह आपने, अते जिहड़े मनुख एक मन एक चित हो के नेम दे नाल मूल मंत्र जी का जाप करते हैं ना, उन्होंने जिंदगी दे विच किसी चीज की घाट नहीं रहिंदी। अते जिहड़े कह दिंदे कि साडे कोलो अमृत वेले नहीं उठिया जांदा, एक बार मूल मंत्र जी का जाप करना शुरू तो करिए, सतगुरु सच्चे पातशाह आपे ही कृपा करके अमृत वेले की दात भी साडी झोली दे विच पा दिंदे ने, अमृत वेले दे नितनेम की दात भी साडी झोली दे विच पा दिंदे ने, अते होर अनेक ही दातां बिना मंगिया बिना बोलिया ही साडी झोली दे विच पा दिंदे ने। तो फिर आओ संत महापुरखां दी दसी हुई ये जुगत नूं आपां अपनाईए, रोज रोज सवेरे उठ के मूल मंत्र जी का जाप करिए, दुपहर वेले समा मिलता है उदों मूल मंत्र जी का जाप करिए, रात वेले मूल मंत्र जी का जाप करिए। जिन्ना ही मूल मंत्र जी का जाप करते जावांगे उन्ना ही साडे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा होंदी जाएगी। सानू तां इत्थों तिकर सतगुर सच्चे पातशाह ने छूट दित्ती आ वी कम कार करदिआं होइआं वी असीं मूल मंत्र जी का जाप कर सकते हैं, गुरबाणी का कोई भी पाठ गुरबाणी का कोई भी शब्द जाप कर सकते हैं, सानू कोई पाबंदी नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे तुसीं अपनी किरत नूं ही बंदगी बना लो, भाव कि जो भी असीं हत्थी किरत करदे आ हत्थी काम करदे आ ना, वह काम करदिआं करदिआं जेकर वाहिगुरू जी का जाप करते रहिए, भैणां घर विच रोटी पानी तैयार करदिआं करदे काम कार करदिआं मूल मंत्र जी का जाप करन, वीर मेरे अपने दफ्तर के बाहर के काम कार करदिआं होइआं मूल मंत्र जी का जाप करन, तो देखना साडी जिंदगी किन्नी सोहणी किन्नी सौखी हो जाएगी। तो फिर आओ अज तो ही शुरुआत करिए, क्योंकि ये जो दुनियावी गल्लां किसी की निंदिया चुगली कर ली सुन ली जा फिर असी टीवी दे उपर मोबाइल दे उपर इधर उधर दी गल्लां वीडियोस देख लिया इन्हां दा कोई लाभ नहीं है, पर जिन्ना ही नाम जपांगे मूल मंत्र जी का जाप करांगे उन्ने ही असी सौखे होंदे जावांगे, उन्नी ही साडे सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा साडे उत्ते होवेगी। तो फिर आओ अज तो ही अपनी जिंदगी नूं चंगे पासे लाईए।